चाहेगा मंगलाचरण, कोई करना चाहेगा? ठीक है, चलिए मैं करता हूँ। ओम अज्ञान तिमिरेंद्रस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एग्जैक्ट 6 लोगों को पाप लगता है अगर भी कोई भी पशु वध होता है। इसका वर्णन श्लोक क्रमांक 4.25.8 में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम 4:25.8। तो मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ श्लोक का। ये सारे पशु तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिससे वे उन पर किए गए आघातों का बदला ले सके। तुम्हें तुम्हारी मृत्यु के बाद वे अत्यंत क्रोध पूर्वक तुम्हारे शरीर को लोहे की अपनी सींगों से भेद डालेंगे। तो ये वर्णन चल रहा है राजा पुरंजन की कथा नारद जी सुनाते हैं। उसमें पूरा एक राजा के बारे में वर्णन करते हैं जो कि शरीर रूपी एक नगर में रहता है, राइट। अरे वो सुनाए भैया, वो बहुत बहुत अच्छी कथा है जिसमें हर चीज को इंसान के शरीर के हिसाब से उसमें बताई गई है। जैसे उसकी बीवी है, वाइफ रहती है जो राजा की, उसको बुद्धि का दिया गया है, तुलना बुद्धि से की गई है। उस नगर के 9 द्वार होते हैं तो शरीर के भी 9 द्वार होते हैं। इस प्रकार हर चीज का ना वो राजा के हिसाब से नारद जी ने ज्ञान दिया है। राजा पुरंजन की कथा आती है 4th कैंटो में। तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब किसी बूचड़ खाने में पशुओं का वध किया जाता है तो उस वध के लिए 6 व्यक्ति उत्तरदायी होते हैं, उस वध से संबंधित होते हैं। जो व्यक्ति पशुवध की आज्ञा देता है, सबसे पहले जो आज्ञा दे रहा है ना, परमिशन दे रहा है, जो वध करता है, सेकंड जो वध करता है, ठीक है, और थर्ड जो उसकी सहायता करता है। तो सहायता मतलब जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, दुकान में जो है ना बढ़िया जाली वाली लगा के जो मुर्गे को प्रदर्शन कर रहे हैं वो सब सहायता करना हो गया, और भी हो गया जो सहायता में जो भी आ गया जो जुड़ गया उसकी सहायता करने में, ठीक है। चक्कू बड़ा वाला जिसने बना के दिया काटने के लिए वो भी सहायता कर रहा, ठीक है, और कौन सहायता करेगा? चलो पहले हम बाकी के पॉइंट में डिस्कस करते हैं फिर आते हैं सहायता में। तो थर्ड हो गया जो सहायता करता है, और फोर्थ है जो उस मांस को खरीदता है, ठीक है, फिफ्थ हो गया जो उसके मांस को पकाता है, जो पकाता है ना उसको भी पूरा पूरा मिलता है, और लास्ट हो गया जो उसे खाता है। तो ये सब हत्या के लिए उत्तरदायी बनते हैं। श्री नारद मुनि राजा का ध्यान इसी तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाह रहे थे, इस प्रकार से यज्ञ में भी पशुवध को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले जो आज्ञा देता है, सेकंड जो वध करता है जो काटता है, थर्ड जो सहायता करता है, ठीक है, फोर्थ जो खरीदता है, फिफ्थ जो पकाता है, और जो छठवां जो खाता है। तो इसमें एक जो है पहला जो आज्ञा देता है और तीसरा जो सहायता करता है, ये एक्चुअल में स्पेसिफिक नहीं है। बाकी सारे स्पेसिफिक हैं, जो वध करता है वो एक ही आदमी है जो काटेगा, जो खरीदेगा वो भी एक ही आदमी है जो पैसा दे के खरीद के लाएगा, और जो पकाता है वो भी एक ही आदमी होगा, और जो खाता है वो भी एक ही आदमी है। लेकिन जो आज्ञा देता है और जो सहायता करता है ना, ये स्पेसिफिक नहीं है कि कौन आज्ञा दे रहा है और कौन 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 सहायता कर रहा है। तो आज्ञा देने में आएगा उस प्रशासन का भी आदमी आएगा जो अलाउ करता है कि वहां पे काटा जाए, नॉनवेज बेचा जाए। और कौन आज्ञा देगा? आज्ञा देने वाले सपोज करो जो दुकानदार है, पोल्ट्री फार्म खोल के बैठा है,
है ना, वो उसके घर वाले भी सहायता कर रहे हैं उसकी कि भैया ठीक है तुम करो, आज्ञा दे रहे हैं वो लोग। इस प्रकार जो जो भी आज्ञा दे रहा है, जिसमें भी जो भी इन्वॉल्व है उसमें, और सहायता में कौन कौन आएगा, जैसे जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जो छुरी बना के दे रहा है, जो प्रॉपर उसको जो है ना दुकानदारी खोल के दी है, जैसे दुकान खोलता अलग आदमी है, काटता अलग आदमी है, एक ओनर है एक वर्कर है, तो ओनर आ जाएगा सहायता करने में, है ना। इस प्रकार सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे पशु वध में। इसके अलावा और किसी को कुछ समझ में आ रहा है, और कौन आना चाहिए इस पॉइंट में, आज्ञा देना और सहायता करना? तो ये हरे कृष्णा पालन करते हैं, जो पालन करते हैं उनके ऊपर भी लगता है क्या कुछ, बिल्कुल लगेगा, सहायता कर रहा मतलब वो। सहायता करने में? तो मुझे जो जगह प्रोवाइड कराते हैं तो हाँ, जैसे ओनर, दुकान का ओनर अपन ने बताया, जो जिसकी जगह रहेगी, जिसने फैसिलिटी दे दी कि ठीक है ये काम यहाँ होना चाहिए, जैसे होटल वाला है, होटल वाला पका पका के सबको बिठा के खिलाता है, तो होटल में जो पका रहा है वो तो पका रहा है, और जो खिला रहा है ओनर आ गया, चाहे उसमें होटल का मैनेजर भी आ गया, होटल की स्टाफ भी आ गया, कैशियर भी आ गया, खाली पैसा लेने वाला आ गया। तो सिर्फ होटल में सपोज करो कि कैशियर है उस होटल में, बड़ा 5 स्टार होटल है, और उस होटल में मांस भी बिकता है, तो कैशियर भी आ जाएगा इसमें कि सहायता करता हो। एक बार श्रील प्रभुपाद के पास एक 5 स्टार होटल का मालिक आया था, तब श्रील प्रभुपाद से पूछा था उसने, नहीं श्रील प्रभुपाद ने पहले ही पूछा, बोले तुम क्या करते हो, तो बोले मेरा होटल है, बोले उसमें मांस बिकता है, बोले हाँ बिकता है, तो फिर बोले थे तुमको नर्क जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसी प्रकार एक लड़की थी जो सिर्फ कैश लेती थी, तो प्रभुपाद की बात नहीं है, किसी और आचार्य की बात चल रही, तो उसने बताया था कि मैं तो सिर्फ कैश लेती हूँ प्रभु जी, और मेरा कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, मेरा जॉब है, मैं क्या करूँ। तो बोले उस होटल में नॉनवेज बिकता है, बोले हाँ बिकता है, तो बोले फिर तो तुमको भी पाप लगेगा, छोड़ दो तुरंत वो जॉब को छोड़ दो। तो इस प्रकार कोई भी अगर रिलेटेड है उससे तो उसको पाप लगेगा, 6 लोगों की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और किसी का अगर कुछ इसमें क्लियरिटी चाहिए, कुछ बोलना है, तो बिल्कुल आप भी बताइए कौन है, ऐसा लगता है कि नहीं ये भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो मुझे जैसे पोस्टर वगैरह बनाते हैं वो भी आ सकते क्या इसके लिए, शॉप के लिए नहीं आएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, अगर आप चिकन का मांस मच्छी का होटल का पोस्टर बना रहे हो तो आप बिल्कुल आओगे, इसमें कोई नहीं रोक सकता। गौतम प्रभु जी को टेंशन हो गया। नहीं, तो मुझे मैंने कभी नहीं बनाया। हाँ देखो, प्रोत्साहन देना भी एक तरह से सहायता करना है, अगर आपका पोस्टर देख के कोई वहां खाने पहुंच रहा है तो आपने उसकी सहायता की, आपने बताया है कि ये चीज यहाँ मिलती है, आप जाइए और खाइए, तो आप भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, एक तरह से आमंत्रित कर रहे हैं लोगों को आप, आमंत्रित, सत्य प्रभु जी का कहना है, आप इनवाइट कर रहे हो कि आइए खाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, प्रभु जी जैसे कि अभी 1.5 साल पहले हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, ऑपरेशन हुआ था, कैंसर ऑपरेशन। तो उस समय अच्छा डॉक्टर ने फिर मुझे कहा था कि आपको अंडा खाना है। मैं बचपन से खाती थी अंडा, ऐसा नहीं है, बट फिर बीच में 6 साल छोड़ दी, फिर नहीं खाई। जब मन आया तब खा ली, नहीं खाई तो डॉक्टर ने कह दिया, तो मैंने कंटिन्यू खाया। बट जब मुझे थोड़ा सा यहाँ से मैं जुड़ी तो इतना फील नहीं हो रहा है, लेकिन जब से आप भगवत गीता, भले मैं इसमें ढूंढ नहीं पाती मगर आपसे जितना सुन रही हूँ ना, मुझे फिर अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि मैंने तो पाप 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 और बचपन से सिर्फ पाप ही किया है। देखिए ऐसा है कि आप सही कह रही हैं, सबने पाप किया, मैं भी पहले नॉनवेज खाता जी था। लेकिन यह है कि जब जागो तब सवेरा, आप जब से जुड़ गए ना हरि की भक्ति में, जी तब से जी एटलीस्ट जी हमको सब छोड़ देना चाहिए, जी जी तो क्योंकि इसके लिए, जी जी बोलिए। इसके लिए तो प्रभु जी मुझे क्या करना चाहिए? मतलब मन में ये बोझ ना, मतलब कहीं मेरा भी ध्यान नहीं लगता कि नहीं, सबसे पहले जो मैंने किया है वो मुझे हटाना है। एटलीस्ट थोड़ा तो कुछ
मेरे मन पर जो भाव है पत्थर जैसा वो थोड़ा कम करना है। देखिए माता जी, आप इसमें एक काम कर सकती हैं, तो माला जपिए, चेंटिंग 16 माला करती हैं आप? अभी मैं मतलब पूरी कोशिश कर रही हूँ कि 16 मेरा कंप्लीट हो, पूरी कोशिश लगी मेरी, हो भी रहा है, किसी दिन छूट भी जा रहा है ड्यूटी के कारण। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, 16 माला करिए और प्राश्चित की भावना से करिए कि भैया देखिए मेरे से गलती हो गई है, अनजाने में, मेरे पास ज्ञान नहीं था उस समय, आपने मार्गदर्शन नहीं दिया था, मिला नहीं था कहीं से मेरे को, लेकिन अब मिल चुका है, तो अब मैं इसको कभी छूंगी नहीं और जीवन में इसका जो है ना, इसके लिए आपका नाम जप रही हूँ ताकि मेरे को इस पाप से आप जो है ना मुक्ति दिलवा दो। तो बस एक ये काम करिए, एकादशी का व्रत रखिए और जो है ना जो भी स्पेशल डेट्स आती है, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, नरसिंह चतुर्थी, चतुर्दशी, इनमें इनमें जो है ना व्रत रखिए, उपवास रखिए, तो इनसे आपका जो है ना इन सब सारी चीजों से निकल जाएंगे आप जी। एकादशी का व्रत मैंने चालू किया प्रभु जी, 1 साल हो गया मैंने। तो ये सब व्रत का ऑब्जेक्ट यही है। आज देखेंगे ना जितने भी एकादशी व्रत की कथा, एक्चुअल में हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन जितनी भी एकादशी व्रत की कथाएं आएंगी ना, सब में ऐसा ही है कि किसी राजा ने कहीं पाप कर दिया, किसी ने कोई गलती से कोई पाप हो गया, उसका प्राश्चित कैसे करें, तो उसका हल बताया जाता है कि आप एकादशी का उपवास रखिए तो आप इस पाप से बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, तो प्रभु जी एक विनती और आपसे। जी जी बोलिए माता जी। कल मैं सारा दिन आपसे पूछूंगी, सोचा मैंने सेंटर पे, बट मैं पूछ नहीं सकी, ये श्रीमद भागवत गीता जो यथारूप मेरे पास है, तो मैं आप जब अभी जो क्लास लेते हैं ना, तो मैं इसमें ढूंढ नहीं पाती हूँ। अच्छा, तो मुझे लोग नहीं ढूंढ पाती? नहीं प्रभु जी, एक्चुअल में शुरू की क्लासेस मैंने अटेंड नहीं करी थी, जुड़ी नहीं थी उस समय ग्रुप में, फिर जब मुझे किरण माता जी ने ऐड किया, उसके बाद में फिर बीच में स्कूल के कारण कभी 6 बजे बुला रहे हैं, कभी 6:30, तो उस कारण वो मिस हो गया, तो मुझे नहीं बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आप कहाँ से, मैं होमवर्क नहीं कर पा रही, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अरे तो ये तो भगवत गीता में अध्याय लिखे हुए शुरू से लेके, जैसे आप पेज खोलेंगे ना जी जी, तो ऊपर ऊपर टॉप में ना अध्याय लिखा रहता है एक साइड में, और एक पेज में श्लोका लिखा रहता है ऊपर ऊपर एकदम। जी प्रभु जी, एक और भगवत गीता है ना, वो होगा जहाँ तक कि बड़ा वाला आपके पास, ये वाला है? जी जी प्रभु जी, यही वाला है हमारे पास। तो ये इसमें क्लियर ना ऊपर अध्याय और श्लोका लिखा हुआ है जी, ही वाली है ना, इसके कोई भी पेज खेलेंगे ना टॉप में, तो वहां पे अध्याय, सत्यम प्रभु म्यूट कर दीजिए, तो वहां पे ना अध्याय लिखा है और ऊपर श्लोक लिखा है, आप उसको खोलेंगे और उस अध्याय का वो श्लोक क्रमांक वहां पे दिया गया होगा, आप उसको पढ़िए। अच्छा, अभी जैसे आप पढ़ रहे थे तो ये मुझे क्यों नहीं मिल रहा, उसके उसके रूप में कुछ मिला? नहीं नहीं, ये एक्चुअल में जो है ना श्रीमद, ये देखिए ये होता है श्रीमद भागवतम, ठीक है? अच्छा, ये भी मुझे लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, ये तो फिर 18 बुक्स आती है इसकी तो। अच्छा अच्छा, और ये अलग होता है, और श्रीमद भगवत गीता अलग होता है, ये होता है श्रीमद भागवतम और वो होता है भगवत गीता जी। ये देखिए तो, जो आप दिखा रहे हैं यही वाली है हमने जो ली थी। हाँ, ये भगवत गीता है राइट जी। तो हम अभी भगवत गीता, एक्चुअल में ये ना सिर्फ 700 श्लोक है भगवत गीता में, ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो है ना कुरुक्षेत्र में ज्ञान दिया था वो है ये, और श्रीमद् भागवतम जो है ना ये 18,000 श्लोक हैं, ये वेद व्यास जी ने लिखा है इसको, इसमें सारी लीलाएं हैं भगवान की। तो भगवत गीता में जो श्लोक हम पढ़ते हैं, डेली क्लास होती है, वो भगवत गीता से होती है, लेकिन रेफरेंसेस जो जिसकी अंडरस्टैंडिंग समझने में कहीं प्रॉब्लम जा रही है, या हमारे को ऐसा लग रहा है कि इसमें पूरा डिटेल में नहीं है, तो हम भागवतम से भी उसका रेफरेंस देके पढ़ाते हैं कि आप भागवतम से इसको निकालो और इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझो। तो ऐसे भागवतम आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास नहीं है, आप भगवत गीता पढ़िए, जो हम श्लोक और जो क्रमांक पढ़ते हैं डेली, जैसे कल 6वें अध्याय का हमने 15, 17, 18 ऐसा कुछ पढ़ा हमने कल, वो सब मिल गया होगा आपको। नहीं प्रभु जी, नहीं, मैं एक्चुअल में ऊपर नहीं देख पाती, यहाँ पर अध्याय लिखा जो युक्त विहार आहार ये वाला, तो हम ये वाला मिला होगा ना 6.17 अध्याय 6 का 6.17 ऊपर ऊपर देखो लेफ्ट वाले पेज में अध्याय दिखेगा,
जी अध्याय छह दिख गया। अब उसमें राइट वाले साइड में श्लोक का दिखेगा, राइट वाले पेज में। जी जी श्लोक 23, श्लोक 32 पीछे आइए, अब 17 में आइए, 18 में आइए। जी श्लोक 18 वाला पेज में देखिए, पेज नंबर 239 में श्लोक नंबर 18 दिखेगा और पेज नंबर 237 में श्लोक क्रमांक 17 दिखेगा। जी दिख रहा है जी, इसमें दिख गया आपको, युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टा से, कर्म से। जी ये दिख गया ना, ये वाला श्लोक। हरे कृष्णा जी जी, धन्यवाद प्रभु जी जी। बस बस ऐसे ही पढ़ना है जी, ये दिख गया जी यहाँ पर। हाँ हाँ राइट राइट, ये तो बस इसको याद करना था हमारे को आज। जी प्रभु जी ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है तो प्रवेश करते हम आज की क्लास में। 6:30 बज गए हैं, लेट हो गई है, लेकिन फिर भी हम एक श्लोक दो श्लोक तो लेंगे लेंगे। ठीक है तो श्लोक क्रमांक हमने कल तक 18 तक किया था राइट, आज 19वां श्लोक है। ठीक है 19वां श्लोक, यथा दीपो निवासस्तो ने संगे संगते सोपम स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो ये एग्जांपल दे रहे हैं कि किस प्रकार जो स्थिर हो गया, पिछले श्लोक में हमने पढ़ा जब योगाभास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है, एक्सपर्ट कहा जाता है। तो जो एक्सपर्ट हो जाता है ना, उसकी दीपक का लौ जैसे होती है जो हिलती डुलती नहीं है, वैसा वो एकदम स्ट्रांग हो जाता है, हिलता ही नहीं है, किसी भी चीज में नहीं हिलेगा, आप उसको कुछ भी भटकाने की कोशिश करो तो भटकेगा नहीं। वो उसका मन पूरी तरह से कंट्रोल में है, बुद्धि कंट्रोल में, इंद्रियां सारी कंट्रोल में है, और वो जो चाहेगा, जिस जो कमिटमेंट किया है, बोलते ना मैंने कमिटमेंट कर दी तो अब मैं खुद की भी नहीं सुनता, वही वाला हिसाब है यहाँ पर। जो कमिटमेंट कर देता है तो वो खुद की भी नहीं सुनता, चाहे उसकी इंद्रियां कुछ भी बोले, मन कुछ भी बोले, बुद्धि कुछ भी बोले। इसको इंग्लिश में इंटीग्रिटी कहते हैं, इंटीग्रिटी, जो खुद में मतलब जो बोलता है वो करता है, दैट इज इंटीग्रिटी। ठीक है तो उसकी उसका जीवन ऐसा हो जाता है, वायु रहित स्थान में दीपक बिल्कुल नहीं हिलेगा वो लॉ। ठीक है तो 20 से लेके 23 तक के श्लोक हैं, 1, 2, 3, 4 इसमें एक्चुअल में जो अवस्था है सिद्धि की अवस्था, उसके बारे में वर्णन कहा गया है। ठीक है तो मैं प्रवेश करता हूँ 20 से लेके 23 तक। यत्र उपर मते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैव आत्मना आत्मनम पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धि ग्राहम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैव अयम् स्थितः चलित तत्वतः यम यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मान्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितः न दुःखेन गरुणापि विचल्यते तं विद्यात् दुःखसो संयोग वियोगं सुयोग संगितम्। तो इस प्रकार बता रहे हैं सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों का वास्तविक मुक्ति है। तो अब लास्ट जो समाधि की स्टेज है उसके बारे में बता रहे हैं भगवान। तो हमने देखा अष्टांग योग में अष्ट
आठ जो है ना स्टेजेस होती है, किसी के पास है लिखा हुआ कौन कौन सी होती है? जी काजल माता जी बताइए। प्रभु जी योग के वो जो आठ नियम होते हैं वो बोल रहे हैं ना? हाँ। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। बिल्कुल सही कहा माता जी, बहुत बढ़िया। मतलब माता जी नोट्स बना रही हैं, वेरी गुड। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, तो यहाँ पे समाधि की बात चल रही। मैंने अपन ने डिस्कस किया था एक बार अच्छे से कि यम क्या है, नियम क्या है, प्राणायाम क्या है, प्रत्याहार क्या है, धारणा क्या है, ध्यान क्या है और समाधि क्या है। तो हमने बताया था जैसे यम में ब्रह्मचर्य भी आता है और बाकी सारी चीजें भी आती है, लेकिन लास्ट जो होता है ना समाधि, समाधि में ध्यान के द्वारा मन हृदय में सारे कल्मश वृत्तियों को बाहर कर दिया जाता है और पूर्ण रूप से ध्यान में स्थित हुआ जाता है, उसको समाधि कहते हैं। तो अब समाधि के बारे में वर्णन कर रहे हैं भगवान की, जो समाधि में रहता है वो कैसा आचरण करता है, उसकी उसको क्या क्या फीलिंग्स होती हैं, वो किस प्रकार समाज में उठना बैठना करता है, है ना। तो वैसे तो हम को ज्यादा इसमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग तो योगाभ्यास की बात नहीं करते हैं, हम जो है ना भक्ति की बात करते हैं। योगा में ना हमने उस दिन डिस्कशन किया योगाभ्यास और भक्ति, इसका डिफरेंस का ना एक चार्ट बनाना चाहिए। बनाया क्या किसी ने? नहीं बनाया। तो योगाभ्यास में जो भाव रहता ना, करता मैं हूँ, करने वाला मैं हूँ, क्योंकि उसमें उसको अपनी इंद्रियों का दमन करके अपने चिंतन को नाक के अग्रभाग में स्थापित करके ध्यान को और भगवान का चिंतन करके, मतलब भगवान का हो या किसी का भी चिंतन कर रहा हो, जैसे ओमकार का, प्रकाश का, किसी का भी, शून्य का, तो उसका चिंतन करना पड़ता है उसको, और इस प्रकार धीरे 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 वो जो है ना समाधि की ओर बढ़ता है। तो उसमें करने वाला वो रहता है, लेकिन भक्ति में करने वाला कौन रहता है? भक्त जो है ना सब चीज भगवान पे सरेंडर कर देता है, जो करोगे प्रभु आप करोगे, मैं तो करूंगा नहीं। तो हम भक्त वाले कैटेगरी में आते हैं। इसको जो है ना हमको भक्ति सिखाता है, शॉर्टकट सिखाता है, क्योंकि जितना हम दमन करने की कोशिश करेंगे इंद्रियों को, और अपने ऊपर करने वाला भाव आएगा कि करना मेरे को है, मेरे को ध्यान लगाना है, मेरे को इसको छोड़ना है, मेरे को मेरे मन को कंट्रोल में करना है, मेरे को मेरी बुद्धि को बैलेंस करना है, युक्त लगाना है मेरी बुद्धि को, सब चीजों को अपने को करना है, तो ये करने से ना हो सकता है एक अहंकार का भाव आ जाए कि मैंने किया, देखा सिद्धि मेरे को हासिल, मेरी मेहनत से सिद्धि मिली। तो ये बड़ी जो है ना ट्विस्ट वाला पॉइंट आता है, क्योंकि योगाभ्यास के बाद भी, इतना सब करने के बाद भी जो होता है ना आदमी, वो अहंकारी हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं ना दुर्वासा और अमरीश महाराज की जो कथा थी, कहीं ना कहीं दुर्वासा मुनि में अहंकार था, इस कारण ये प्रॉब्लम है। तो तात्पर्य में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा अंदर में नहीं घुसेंगे। योगाभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त हो जाता है, यह योग का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम करके परमात्मा की अनुभूति करता है। तो अहम ब्रह्मास्मि, कुछ लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। इंसान और भगवान में कोई अंतर ही नहीं, बोले अपने अंदर में ही भगवान है, खुद के अंदर के भगवान को ढूंढो, आप स्वयं भगवान के पद पे पहुंच जाओगे, इस तरह के भी फिलॉसफी है। तो जो ये फिलॉसफी में योगाभ्यास करता है वो अपने अंदर ही अपने आप को भगवान में डाल देता है कि मैं ही भगवान हूँ, जब उसके पास सिद्धियां आने चालू हो जाती। योगाभ्यास बहुत कुछ पतंजलि की पद्धति पर आधारित है, कुछ अप्रामाणिक भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा का अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं, किंतु वे पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। लेकिन ये लोग सब मेन ऑब्जेक्ट को नहीं जानते कि इसका एक्चुअल में फाइनल गोल क्या है। पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवादी
इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इसे कहीं उनके अद्वैतवाद में बाधा उपस्थित न हो जाए। तो क्या होता है, जैसे सपोज करो समाधि में पहुंच गया योग करते करते और उसको ब्रह्म का भान होने लगा, तो उसके अंदर जब आनंद आने लगता है ना कि वाह पूरी प्रकृति और मेरे में कोई अंतर नहीं, हर चीज तो जो है ना पंच तत्व से बन गई, इस टाइप की अगर भावना आ जाती है ना तो आनंद का एक अनुभव आने लगता है। तो जब आनंद का अनुभव आता है ना तो जो ये समाधि वाले लोग होते हैं ना इनको क्या रहता है कि अपने आप को सुख दुख इन सब चीजों से परे रखना, तो वो ये कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि क्या ये आनंद को मैं स्वीकार करूं, इसमें जो है ना आनंद का भाव लूं, इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करूं कि सिर्फ अपने आप को परे रखूं। तो इस टाइप की इन लोगों की अद्वैतवादी, ये लोग समझ ही नहीं पाते कि करना क्या है ना, बहुत डाउटफुल है क्योंकि इनके पास जो फाइनल टारगेट है ना उसका रास्ता है ना उसका कोई स्वरूप मालूम है, कैसे मिलेगा, क्या है क्या नहीं, उनको कुछ नहीं मालूम। जैसे हमको श्रील प्रभुपाद ने क्लियर बता दिया कि भगवान कौन है, कृष्णा, पाना किसको है, कृष्णा, कृष्णा कौन है, एक व्यक्ति, व्यक्ति है, उसको ये खाना पसंद है, वो खाना पसंद है, उसको क्या पसंद है, उसका नाम का गुणगान पसंद है, उसको कीर्तन पसंद है, उसको शुद्ध निर्मल व्यक्ति पसंद है, उसको ऐसे व्यक्ति पसंद है जो समचित्त हो, सब लोगों के लिए समान हो, सभी उनके बच्चे हैं, सबको समान दृष्टि से देखे, जो सभी जीव आत्माओं में आत्मा का दृष्टि करता है, आत्मा देखता है सब में, वो भगवान को पसंद। तो हमको सब चीज मालूम है कि भगवान को क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, क्या खाना है, कब उठना है, कब बैठना है, तो बस हमको वो फॉलो करना है और भगवान का फेवरेट बन जाना है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आगे कहते हैं, अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते। तो वो ये नहीं मानते कि ज्ञान देने वाला और जो है ना ज्ञान तथा ज्ञाता, लेने वाला और ज्ञान दोनों अलग अलग, ये नहीं मान। इसकी पुष्टि योग पद्धति के विख्यात व्याख्याता पतंजलि मुनि ने भी की है। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव केवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्ति शक्ति रीति। ठीक है, यह चित्त शक्ति या अंतरंगा शक्ति पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म अर्थ काम तथा अंत में परब्रह्म से तदात्म एवं या मोक्ष। तो ये स्टेप्स बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, एक्चुअल में अर्थ धर्म काम मोक्ष, पहले पैसा कमाओ, अर्थ मतलब पैसा कमाओ, फिर पैसे से धर्म का कार्य करो, ठीक है, फिर धर्म को में आओ, फिर जो है ना काम भी करते लोग अपना अपने भगवान, कुछ लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते, कुछ लोग भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए ना, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा धरे काम नाम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। मतलब अगर काम करोगे आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करोगे तो उसको काम कहते हैं, और इंद्रिय कृष्ण इंद्रिय तृप्ति के लिए करोगे तो उसे प्रेम कहते हैं। तो इस प्रकार ये स्टेप है, फिर फाइनल मोक्ष मिलता है हमारे। तो ये होना चाहिए, लेकिन लोग जो है ना सिर्फ कहाँ तक पहुंचे हैं, अर्थ काम यहीं तक पहुंचे हैं, धर्म में भी नहीं पहुंचे, अब धर्म भी छूटते जा रहा है, सिर्फ पैसा कमाना है और काम करना, अपनी वासना इंद्रिय तृप्ति पूरी करनी, बाकी के दो स्टेप छोड़ दिया लोगों ने, धर्म और मोक्ष में ध्यान ही नहीं देते। लेकिन चारों एक साथ आता है, जीवन का उद्देश्य ये चार है, अर्थ काम धर्म और मोक्ष, ऐसे चलता है। ठीक है, लिखा है नीचे, भगवान चैतन्य के शब्दों में यह अवस्था चेतो दर्पण मार्जनम अर्थात मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन शुद्धि है, यह मार्जन वास्तव में मुक्ति या भव महादावा अग्नि निर्वापणम है। प्रारंभिक निर्वाण सिद्धांत भी इस नियम के समान है, भागवत 2.10.6 इसे स्वरूपेण व्यवस्थित कहा गया है, भगवत गीता के श्लोक में भी इसकी इसी की पुष्टि होती है। तो निर्वाण एक्चुअल में शब्द जो है ना बहुत गहरा शब्द है, निर्वाण, निर्वाण एक्चुअल में बौद्ध धर्म से आया है, बौद्ध धर्म जो है ना उसका उसमें कहा गया है बुझा देना, उसको निर्वाण कहा गया है, एक चीज को बुझा दो, खत्म कर दो उसको। अब क्या खत्म करो, कामनाओं के अंत तथा आत्म चेतना के माध्यम इसको बुझा देना, इसको इसको कहा जाता है निर्वाण, है ना, अपनी कामनाओं का अंत कर दो, ठीक है, और आत्म चेतना के माध्यम से इसका अंत करो, इसको निर्वाण कहा गया। तो इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि बौद्ध धर्म में
मोमबत्ती का एग्जांपल दिया गया। जिस प्रकार मोमबत्ती जो होती है ना, उसमें तीन चीजें होती है, एक अंदर होती है लौ जो जिसमें आग लगती, और एक होती है मोम, है ना, और तीसरी होती है अग्नि। इन चीजों से, इन तीन चीज से मोमबत्ती पूरी खत्म होती चली जाती है। तो मोम को जो है ना शरीर की उपमा दी गई है, और धागा जो है ना, जो धागा अंदर जल रहा है धीरे 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 धीरे, उसको अपनी डिजायर, अपनी इच्छाओं की जो है उपमा दी गई है। और जो ज्योति है, जो अग्नि लगी, वो चेतना है, चेतना चेतना रूपी जो है ना अग्नि इच्छाओं के माध्यम से इस शरीर को जलाती जा रही, जलाती जा रही, जलाती जा रही, डे बाय डे खत्म करती जा रही। तो क्या करना है हमारी को, चेतना को, चेतना को उस मोम और उस शरीर, जो शरीर रूपी मोम है और इच्छाओं रूपी जो धागा, उधर से हटा देना, उसको बुझा देना है। और बुझा के कहाँ लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है। तो इस प्रकार हम अपने शरीर और जो इंद्रियां हैं उनसे दूर होकर अपने आप को भगवान की सेवा में लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो श्लोक है 2.10.6, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। इसकी मैं पढ़ रहा था कल, एक दो श्लोक, मतलब एक दो वीडियोस देख रहा था, 2.10.6। अब ये श्रीमद् भागवतम आ गया माता जी, है ना, जहाँ तीन नंबर आएंगे 2.10.6, मतलब ये भागवतम में चलेगा, और दो नंबर आएंगे 6.12, 6.13, दो नंबर मतलब भगवत गीता में आ गए, ठीक है, ये शॉर्टकट है, ठीक है। 2.10.6 इसमें कहते हैं, अपनी बद्ध अवस्था के जीवन संबंधी प्रवृत्ति के साथ जीवात्मा का योग निद्रा में शयन करते हुए महाविष्णु में लीन होना प्रकट ब्रह्मांड का परिसमापन कहलाता है। परिवर्तनशील स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को त्याग कर जीवात्मा के रूप में स्थायी स्थिति मुक्ति है। तो मुक्ति क्या है वो बताया गया है, और इसमें बहुत अच्छी एक ये बताया गया कि जीवात्मा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नित्य बद्ध और एक होता है नित्य मुक्त, जिसको नित्य सिद्ध भी कहा जाता है। तो इसमें दो प्रकार की जीवात्माओं का वर्णन है, ठीक है, हम अब उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन उसमें भी बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है, ठीक है। फिर आते हैं हम इसके ये बीच वाले पैराग्राफ में। इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधियां दो प्रकार की होती हैं, समाधियां भी दो प्रकार की बताई गई हैं, संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात समाधियां। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो वह कहा जाता है उसे संप्रज्ञात समाधि, और असंप्रज्ञात समाधि के बारे में संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रखता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। तो एक होता है संप्रज्ञात, इसमें क्या होता है, उसको आश्रय मिलता है गुरु का, उसको ज्ञान मिलता है, समझता है क्या होने से क्या मिलेगा, क्या करने से क्या मिलेगा, इस तरह की चीजें, ऐसी स्थिति में पहुंच के जो समाधि तक पहुंचता होता है संप्रज्ञात कहा जाता है। और असंप्रज्ञात कहते हैं जिसके पास ये ज्ञान नहीं है कि ध्यान करना है, मेरे को क्यों ध्यान करना है, क्या मिलेगा, लेकिन ये मालूम है कि भैया इंद्रिय तृप्ति से परे रहो, सांसारिक मोह से दूर रहो, वो असंप्रज्ञात होगा। मतलब एक हो गया ऑर्गेनाइज्ड, एक हो गया अनऑर्गेनाइज्ड, एक हो गया प्रॉपर चैनल के माध्यम से पढ़ के शरणागति करके ज्ञान ले के समाधि तक पहुंचा, और एक जो नहीं पढ़ा है लेकिन कहीं से सुन लिया है तो वो समाधि तक पहुंच गया। इस प्रकार दो प्रकार की होती संप्रदाय समाधि। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी इससे उससे डिगता नहीं, जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह असफल रहता है। तो इसमें यह है कि टारगेट मिलने के बाद जो है ना आपको माना जाएगा कि आप सक्सेसफुल हो, जैसे एग्जाम दे दिया, पास या फेल, पास हो गया तो मानेंगे नेक्स्ट क्लास में जाओगे, फेल हो गया तो फिर से जीरो से चालू करो, फिर से पूरी पूरा क्लास पढ़ो, पूरा साल लगाओ। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं, भक्ति तो आप जितनी करोगे वहां से फिर से चालू हो जाएगी। ने अभिकम नाश्वसी प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, ने अभिकम नाश्वसी,
इसका कभी नाश नहीं होता। ठीक है, आजकल के तथाकथित योगाभ्यास में विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित हैं जो योग के स्वर्वथा विपरीत है। तो आजकल जो योगा चला रहे हैं वो ये योगा कहीं से भी नहीं है, जो हेल्थ के लिए खाली अपनी शरीर को सही शेप देने के लिए जो योगा करते हैं वो ये नहीं है। योगी होकर यदि कोई मैथुन या मादक द्रव्य सेवन के अनुरत होता है तो वह उपहासजनक है। तो योग का हमने पहले ही बताया कि पहले ही पहले ब्रह्मचर्य व्रत निभाना जरूरी है, यम में ही आ जाता है। लेकिन आजकल योगा में सिर्फ प्राणों का बताया जाता है, आप वो करो और थोड़ा सा इधर उधर शरीर हिला लो, बस आसन में चले जाओ, बस वही है, दो चीज और कुछ नहीं, जो कि योगा नहीं कहलाता है। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ में आते हैं इस पेज की। अब इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है, क्योंकि वहां फेल हो जाओगे तो निराशा आ जाएगी, फिर जीरो में आ गया। यहाँ पे निराशा है ही नहीं, हमेशा आशा ही आशा है। मालूम है मैंने जो किया आज, अब वो मेरा हमेशा शाश्वत काल तक मेरे साथ रहेगा, है ना। और इस दंभ प्रधान युग में हठ योग, ध्यान योग तथा या ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं। तो इनमें अवरोध है बहुत सारे, बहुत ऑब्स्टेकल है, ईजी नहीं है ये। ठीक है, फिर लास्ट पैराग्राफ में कहते हैं, है ना, किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावना में स्थित होता है, वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता, प्रत्युक्त वह घाटे का सौदा का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन के न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावना की दिव्य सुख भोगता है। वह दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों, यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन स्थिति घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है, किंतु कृष्ण भावना में या भक्ति योग संबंधी अपने कार्यों को पूरा करने में वह सदैव सचेष्ट रहता है। तो वो रिस्पॉन्सिबल रहता है, जो भक्ति में रहता है ना वो रिस्पॉन्सिबल भी लेता है अपने ऊपर। ऐसा नहीं है कि भक्ति कर दिया तो सब चीजों को छोड़ दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, डगमगाएगा नहीं। कोई भी अवस्था आएगी विचलित करने वाली, कोई अपना चला गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ देख लिया, ऐसी अपमान हो गया या बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया, तो वो हमेशा हर जगह सचेत रहता है। उसको मालूम है कि मैं भक्त हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। तो इस प्रकार का उसको ज्ञान रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम इसको समाप्त करते हैं, इस श्लोक के तात्पर्य को। किसी को कोई कुछ कहना है तो स्वागत है। ठीक है, क्लियर है लगता है सबको, कोई डाउट नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो जी मतलब कोई मान लीजिए अर्थ कमा रहा है और काम कर रहा है, अर्थ कमा रहा है और वो धर्म में लगा रहा है मान लीजिए, तो वो भी क्या मोक्ष की ओर जाएगा धीरे धीरे? नहीं, कैसे चला जाएगा? चार स्टेजेस है, उसको पुण्य मिलेगा। धर्म कर रहा है तो पुण्य मिलेगा। धर्म में क्या कर रहा है, भक्ति और धर्म, ये दोनों अलग अलग है। अगर भक्ति में धार्मिक मतलब अगर वाकई में भागवत धर्म निभा रहा है तब तो ठीक है, तब तो धीरे धीरे वो उसकी उन्नति होगी। लेकिन अगर वो सपोज करो डेफिनेशन उसके हिसाब से धर्म मतलब सेवा, गरीबों की सेवा, ये सारी चीजें कर रहा है तो वो खाली पुण्य कमा रहा है। नहीं मतलब कृष्णा के सेवा में जैसे लगा रहा है धर्म, फिर ठीक है, सही रास्ते पे धीरे धीरे जाएगा वो। लेकिन उसमें ये जो है ना काम धर्म काम मतलब अर्थ काम, काम मतलब क्या, काम में लिप्त नहीं होना चाहिए ना ज्यादा। देखो क्या है, एक होता है सकाम, एक होता है निष्काम, है ना, ये दो हमने पढ़े हैं काम। तो काम आप कौन से स्टेज में हो, सकाम कर रहे हो तो आप भौतिकवादी हो गए, आप निष्काम कर रहे हो तो आप धर्म से संबंधित फिर हो। तो जो ऐसा अर्थ करो फिर उसके बाद निष्काम भाव से कर्म करो, अपनी कामनाओं को कंट्रोल करो, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करो। जो अगर इच्छाएं कंट्रोल नहीं करेगा तो इस चार की कैटेगरी में नहीं आएगा, फिर वो खाली काम तक सीमित रहेगा। जैसे ही हम धर्म में पहुंचते हैं ना, जैसे ही सबसे पहले देखो पैसा कमाएगा,
अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए पैसा कमाएगा। फिर धीरे धीरे उसको समझ में आएगा कि दुख बहुत मिल रहे हैं इस संसार में, दुख ही दुख है यार, मैं जितना भी पैसा लगाता हूँ अपने आप को खुश करने की कोशिश करता हूँ लेकिन खुश हो नहीं पाता, कहीं ना कहीं से पत्नी से, बच्चों से, पड़ोसी से, बूढ़ा माता पिता से, दोस्त यार से दुख मिल जाता है मेरे को, तो क्या किया जाए, इसका मतलब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर धीरे से समझ में आता है उसको कि जब मेरे हाथ में ही नहीं है तो मैं एक्सपेक्ट क्यों करूँ, छोड़ देता हूँ सब, भगवान जो करेंगे वो करेंगे। फिर उसके अंदर निष्काम की भावना आ जाती है, फिर अपने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता। फिर जैसे निष्काम की भावना आएगी ना तो धीरे धीरे ये करेगा, पैसा कमाएगा, निष्काम कर्म करेगा, पैसा कमाएगा, निष्काम कर्म करेगा, तो धीरे धीरे ना वो ज्ञान में प्रवेश करता है, उस ज्ञान से फिर उसको धर्म तक पहुंच पाता है कि धर्म मिलता है उसको कि एक्चुअल में करना क्या है जीवन में, मैं खाली इसीलिए थोड़ी आया हूँ, करने क्या आया हूँ मैं, ये आएगा तब फिर वो बुक्स पढ़ेगा, तब किसी गुरु के पास जाएगा, तब वो धर्म का ग्रहण करेगा कि करना क्या है मेरे को, तब उसको समझ में आ रहे मेरे को तो चैंटिंग करनी है, मेरे को तो इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है, मैं तो अशाश्वत दुखालय में फंसा हूँ, ये तो संसार क्या है एक जेल की तरह, इधर से मेरे को निकलना है बाहर, तो धर्म का अपनाओ और इस जेल से बाहर निकलो। फिर धर्म आता है उसके पास, फिर उसका टारगेट बनता है मोक्ष, फिर उसको क्या चाहिए, अब मेरे को सिर्फ कृष्ण के वैकुंठ लोक में उनकी सेवा में जाना है और कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार ये चलती है प्रक्रिया, लेकिन जिसका एलिवेशन, जिसकी उन्नति नहीं हो पाती, वो सिर्फ अर्थ और काम में सीमित हो जाता है, उसके ऊपर नहीं बढ़ पाता वो, क्योंकि वहीं उसको मजे आ रहे हैं, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है करना क्या। तब कौन सा श्लोक काम आता है, ये शाम त्यंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा त्वे दंद मोह निर्मुक्ता बचते माम दृढ़वता। मतलब उसका भी समय ही नहीं आया, उसके पाप ही पाप चल रहे, उसमें अंदर पुण्य उसने कुछ किया ही नहीं है, इसलिए भगवान की शरणागति नहीं होगी, उसके पास ये ज्ञान ही नहीं आएगा कि निष्काम कर्म करना चाहिए, उसको जो है ना कोई ज्ञान ही नहीं रहेगा। जब तक कभी गलती से किसी वैष्णव की सेवा कर दे, कभी भगवान के कृष्ण के भंडारे में सेवा कर दे, पैसा दे दे, तो ये सब चीजों से जो है ना पुण्य मिल जाते हैं, मतलब बगैर पता किए, बगैर जो है ना उसकी जो है ना जानकारी के उसको पुण्य मिल जाता है। तब धीरे धीरे ऐसे पुण्य इकट्ठे होते हैं, फिर उसको एक जन्म में बहुनाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान नाम प्रपद्य, बहुत जन्मों के बाद ये ज्ञान आता है, ये धर्म की शरणागति में आता है। ठीक है प्रभु जी, प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी जीवात्मा के दो प्रकार में, वो सेकंड वाली एक बार बताएंगे क्या, एक नित्य बद्ध जीवात्मा के जो दो प्रकार हैं उसका थोड़ा सा बताइए। एक होता है नित्य बद्ध और दूसरा होता है नित्य मुक्त, जिसको नित्य सिद्ध भी कहा जाता है। तो नित्य बद्ध जो होता है ना, वो बद्ध जीव जो इस संसार में गिरे हुए हैं वो सारे के सारे नित्य बद्ध हैं, और नित्य सिद्ध वो हैं जो भगवान के गोलोक में भगवान की सेवा करते हैं। तो जो हमारे पास हमारे आचार्य आते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद हो गए और बड़े बड़े आचार्य आए, जो भी हमको जो है ना सिखाने के लिए आते हैं, हम जैसे बद्ध जीवों को उभारने के लिए भगवान भेजते हैं, वो नित्य सिद्ध आते हैं, वो हमारी जो है ना खाली हमारे लिए आते हैं कि इन सबको उद्धार करो, इनको वापस इनके पापा के घर लेके चलो, ये बच्चे जो है ना मेले में गुम हो गए और खाली झूले देख देख के पागल हो रहे हैं, इनको खाली वहीं के मजे ले रहे हैं, दुकानों में अलग अलग दुकानों में शॉपिंग कर रहे हैं, झूले झूल रहे हैं, वहाँ की लाइटिंग में बड़े जो है ना खुश हो रहे हैं, कहीं पे साउंड इफेक्ट आ रहा है उसमें खुश हो रहे हैं, तो वो अपने पापा के घर ले जाने के लिए वहां से आते हैं स्वयं। तो नित्य सिद्ध और नित्य बद्ध दो तरह के जीव होते हैं। ठीक है माता जी प्रभु जी। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज की क्लास को क्लोज करते हैं। गुरु जी हरे कृष्ण। जी प्रभु जी हरे कृष्ण। एकादशी के दिन तुलसी माता में पानी चढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए? रोज चढ़ाना चाहिए, एक भी दिन गैप नहीं करना चाहिए, लेकिन द्वादशी के दिन तुलसी पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। अच्छा। जिस दिन एकादशी का सेकंड डे होता है ना द्वादशी, उस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, जल आपको रोज चढ़ाना है, रोज जिस तरह हम खाना रोज खाते ना वैसी तुलसी माता पे भी जल रोज चढ़ाना, लेकिन
तुलसी माता जो है ना बहुत कम जल स्वीकार करती है, ज्यादा जल नहीं देना चाहिए तुलसी माता ने, है ना, तो थोड़ा सा जल दें रोज दें। जैसे अभी गर्मी की स्थान है तो एकदम धूप में नहीं रखना चाहिए तुलसी माता को, हल्का सा छांव रहना चाहिए तुलसी माता पर, है ना, तो उनको भी केयर करनी चाहिए। आपके घर के जो स्थान है जहाँ पे थोड़ी सी धूप आए और छांव भी मिले, उनको ऐसे स्थान में रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। या चाहे तो दिन में एकदम जो जैसे भरी धूप का समय है तो आप अंदर कर सकते हैं जहाँ पे छांव है, फिर शाम को बाहर कर दिए, ऐसा कर सकते हैं जी। ठीक है, तो ठीक है, सब मिलके अब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट था कि कल रथ यात्रा है ना, तो बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया कल रथ यात्रा का। जो भक्त सम्मिलित हो सके बिल्कुल आइए, सबको आना ही चाहिए। तो कल का दिन जो है ना सुबह से सेवाएं चालू रहेंगी, देश में आइए, अपनी अपनी सेवा दीजिए, अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाइए। लगभग 2-3 बजे के आसपास रथ यात्रा स्टार्ट होगी, प्रारंभ होगी, और शाम को 6 बजे अनुपम गार्डन पहुंचेगी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर भव्य कार्यक्रम रखा गया है, तो आप सब आइए और उसका पूरा पूरा लाभ भी देख। इन लोग यहाँ पे एकदम भीड़ लगा देते हैं इतना बोलने के बाद भी, है चार लोग देखेंगे तो बोलेंगे नहीं। मानसी माता जी आपकी आवाज आ रही है पूरी, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है ना कल जरूर आना है, सबको आना है, सारी व्यवस्थाएं की गई है, सबसे निवेदन है आइए और रथ खींचे, रथ का जो है ना ये आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, उसका स्वीकार करिए और अपने जीवन का उद्धार करिए। ठीक है, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।